है ना झटके से इसमें मेरा एक बार पेट देख लीजिए, पेट ऐसे कुछ दिखाता नहीं है लेकिन ऐसे में अभ्यास में दिखा देते हैं। इसमें झटके से पूरा अंदर जा रहा है ना, ये कपाल भाति में कोई अंग हिले का नहीं, केवल सांस झटके से बाहर। इसमें ध्यान लगना है तो हंसी आएगा भैया, इसमें ध्यान लगेगा तो मन शांत होगा, मुखमंडल एकाग्र होगा, सब ना होगा ऐसे। फिर अगला अभ्यास करते हैं इसका, अग्नि स्टार क्रिया को झटके से ऊपर नीचे पेट को करते हैं। इसमें ऐसे पेट को, इसमें क्या है ना, हमको सिखाना पड़ता है तो भूखे रहना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है ना। स्वामी जी ऐसे सिखाने के चक्कर में 20 वर्षों से अन्न ग्रहण ही नहीं किया, अब जी दिन में कहीं भी गए तो अभ्यास ही चल रहा है, तो उसके लिए लिक्विड का भोजन चलता है, तब ना करा पाएंगे। तो स्वामी जी ने 20 वर्षों से अन्न को त्याग कर दिया, क्यों, किस लिए, देश और दुनिया के लोगों को सिखाने के लिए, जब कहिए तभी तैयार, इसलिए कि पेट में कुछ है नहीं, अन्न लिक्विड फॉर्म में केवल है। तो ये अब अग्निसार हो गया, समझ गए इसका अभ्यास, सबको पेट को हिला लेना है ताकि मेरा पेट का भी मसाज हो जाए और आंख भी मजबूत हो जाए, इसमें शरीर नहीं हिलेगा केवल पेट ऊपर नीचे होगा। और अगला अभ्यास करते हैं वाह्य प्राणायाम, इसमें 3 बंद लगेगा, ये जब सटाएंगे तो इसका नाम है जालंधर बंद, पेट जब अंदर खींचते हैं तो उसका नाम है उड़ियान बंद, और शौच के रास्ते को ऊपर जब सिकोड़ते हैं उसका नाम है मूल बंद। त्रिबंद का मतलब समझ गए, जब आपसे कोई कहे कि त्रिबंद लगा करके अभ्यास करो तो त्रिबंद में यही आएगा, जालंधर बंद ऐसे, फिर आपका ये पेट को खींचते हैं अंदर ऐसे, और मूल बंद, 3 बंद लगेगा तो नीचे से एनर्जी ऊपर की तरफ, क्या है ना, ऊर्ध्वारोहण ऊपर की तरफ, सब कुछ चाहता है ना कि नीचे से ऊपर उठे, तो हमारी शक्ति भी हमारा ज्ञान भी क्या हो, नीचे से कहाँ जाए, मस्तिष्क की तरफ जाए, दिमाग ही पे है ना। तो ये अभ्यास करके हमें काम करना है। तो प्राण और अपान, मैं कल प्राणों के बारे में बता दे कि 2 प्राण के बारे में बता, एक प्राण जो हवा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राण, और जिसे बाहर करते हैं गलत हवाओं को, बेकार की हवाओं को, उसका नाम है अपान वायु, प्राण वायु और अपान वायु, बाकी 3 वायु कल बता देंगे। कल कुछ मुद्राओं के बारे में बताएंगे, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वायु मुद्रा, अग्नि मुद्रा, वरुण मुद्रा, अलग अलग मुद्राओं का और उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, यह भी मैं कल बताऊंगा। तो आइए एक भजन कैसे कर लेते हैं, इसका क्या नाम है, क्लैपिंग करते हैं, ताली बजता है, तो हमारे पूर्वजों ने भजन में ताली को जोड़ दिया, कारण कि इसमें बहुत सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं हथेलियों में, तो अलग अलग बताया जाए तो भूल जाता आदमी, इसलिए इकट्ठा जब भजन गाते हैं तो क्या होता है, सभी पॉइंट जागृत हो जाते हैं। तो अभी ना 1-2 मिनट का भजन गा देते हैं, तो उसमें सबको मैं गाऊंगा, पीछे से दोहरा देंगे और ताली जोर जोर से लगे, कैसे लगे, जोर जोर से, ऐसे नहीं करना है, लय के साथ भजन के साथ करना है, अब ऐसे ऐसे नहीं मारना है, ऐसे ऐसे भी नहीं मारना है, इसमें केवल ऐसे ताकि सारे उंगली एक दूसरे पर पड़े और सभी पॉइंट जोर जोर से करेंगे। तो आइए भजन के साथ, एक बार ताली बजना चाहिए, मैं जब मारू ना एक बार सबको बजना चाहिए, तब उसका आवाज सुंदर निकलेगा।
वादे भजन गाते हैं मन प्रसन्न करके, हृदय के तरंग को, हृदय के तार को जगाते हैं परमात्मा के लिए। भाइये प्रभु जी तेने सी दया करे हो, प्रभु जी तेने सी दया करे हो, हमें तो भी तुम्हारा प्यार मिले, प्रभु जी तेने सी दया करे हो, हमें तो भी Good.